हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग अब हम भी जुड़ गए हैं मैडम के साथ इस जर्नी में जिसमें हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे बेसिकली uh, पढ़ाना मेरा भी एक पैशन है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस इन अ गुड एंड सिस्टमेटिक वे मेरे बारे में आप लोग जानना ज़रूर चाहेंगे uh, मेरा नाम जयेश कुमार है और uh, मैं गेट क्वालिफाइड हूँ एन से मैंने मास्टर्स डिग्री कम्प्लीट किया हुआ है तो ये तो हमारे बारे में कुछ है आई होप आप लोग सब खैरियत होंगे चलिए अब हम लोग डिस्कशन uh, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से हम सोच रहे थे कि आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा है मेरे दिमाग में सबसे पहले आया डी और भी एस uh, सब बट uh, मैं अपना बी टेक समय याद करता हूँ या एम टेक समय याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रगल करने का मेन कारण होता है कि ट्रीज़ और लिंक लिस्ट के प्रोग्रामिंग लोगों से बनते नहीं हैं बिकॉज उनके जो बेसिक चीज़ नहीं होते हैं वो पॉइंटर्स होते हैं uh, अगर आपको पॉइंटर्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आई फील कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं रेडियो मतलब हर टाइप के कोडिंग आपसे अचीवेबल होगा मैक्सिमम मैक्सिमम जो कंपटीशन में आता है या फिर आप इंटरव्यू क्रैक करो गेट इसरो बाग डीआरडीओ ये सब चीज़ में कॉमन है पॉइंटर्स तो आज का वीडियो मैं बहुत ही कॉन्साइज रखूँगा और बहुत ही छोटा रखना चाहता हूँ बस बेसिक चीज़ बताऊँगा जिसमें टेक्निकल टर्म्स हार्डली मैं कम ही यूज करूँगा सो so, स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट आता है वॉट इज पॉइंटर ठीक है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एकदम सिंपल है एकदम सिंपल चीज है अ वेरिएबल डेट इज अ केपेबिलिटी टू स्टोर एड्रेस डेट इट, एक वेरिएबल अगर है और वो अपना एड्रेस स्टोर किसी का कर सकता है तो उसको मैं कहता हूँ कि हाँ भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है एग्जाम्पल नॉर्मल चीज़ में जैसे कि अपन क्या करते हैं इंट इज़ इक्वल टू फाइव लिख देते हैं ठीक है तो हम लोग बोलते हैं कि ए जो नहीं है ये फाइव को स्टोर कर पा रहा है वैसे ही अगर मैं लिख देता हूँ कैब बी इज इक्वल टू सी तो ये भी डेटा स्टोर कर रहा है ठीक है लेकिन जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना तो मेमोरी में ये अपना समझ लो मेमोरी है ठीक है मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट होता है ठीक है इस बॉक्स के अंदर फाइव पड़ा हुआ रहेगा और इस बॉक्स का नाम ए रहेगा जब भी हमको फाइव को रीड करना है तो मैं ए को कॉल करता हूँ कि भाई साहब ए में क्या है उसका आउटपुट दो तो वो मेरे को फाइव दे देगा आउटपुट ये हो गया कि वेरिएबल को रीड करें लेकिन ये बॉक्स के पास दो केस अलग कैपेबिलिटी एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी ये होता है कि बॉक्स के पास यहाँ नीचे में एड्रेस भी होता है ठीक है अब ये बॉक्स तो अपने जगह पे ही रहेगा इसका वैल्यू तो जिंदगी भर चेंज होता रहेगा कभी फाइव हो जाएगा कभी सिक्स हो जाएगा कभी सेवन रहेगा ये हार्ड डिस्क में प्रॉपर वो बॉक्स है समझ लो ठीक है वो एक टाइप का तुम्हारा मेमोरी हो गया तो यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है ठीक है इसका ये वैल्यू भी चेंज होगा लेकिन ये जो वैल्यू नहीं होता है एड्रेस इस बॉक्स का ये कभी चेंज नहीं होगा ये लाइफ टाइम यही रहेगा ये होता है अच्छा ये यही रहेगा अब ये जो वैल्यू है एड्रेस कैसा दिखता है बताते हैं एड्रेस तुम्हारा हेक्सा डेसीमल फॉर्मेट में रहता है कुछ ऐसा रहेगा बी थ्री सिक्स एट नाइन एफ ऐसा कुछ रहेगा ठीक है हैश नहीं तो हैश को इग्नोर कर सकते कुछ ऐसा रहेगा ठीक है हेक्सा डेसीमल में वो तुम्हारा हेक्साडेसिमल का कोई भी डिजिट रहेगा ना वो जीरो से स्टार्ट होके नाइन तक जाता है और ए से स्टार्ट होके एफ तक जाता है ये सारे के कोई भी कॉम्बिनेशन में ये नंबर रहेंगे अब इस चीज़ को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया जाता है जो इस डेटा को भी स्टोर करे वो होता है पॉइंटर तो पॉइंटर का ये काम हो गया आप समझ गए कि पॉइंटर क्या होता है अब बात करते हैं वाई इज पॉइंटर जैसे लिखा है यहां पे, मल्टी एक्सेस ऑफ डेटा एंड मॉडिफाई फ्रॉम एनी और ये अलग से रिड्यूस स्पेस ठीक है ये डेटा है यहाँ पे सेवन ये एड्रेस तो कांस्टेंट है समझ लो इस एड्रेस का नाम हो आ, इस पॉइंटर इस एड्रेस का नाम हो गया जो सेम रहेगा वो हो जाएगा तुम्हारा समझ लो वन सिक्स एट एफ ऐसा करके कुछ रहेगा ठीक है वन सिक्सटी एट एफ जिसको हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पी ठीक है एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया समझ लो पी पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाया जाता है ये हम लोग प्रोटोटाइप में पढ़ेंगे तो एज्यूम करो कि अभी एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिए जो इसको स्टोर करके रखा हुआ है वन सिक्सटी को ठीक है अब यहाँ है मल्टी एक्सेस ऑफ द डेटा अब हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कुछ प्रोग्राम लिखे हैं कोडिंग की है अब यहाँ पे जब भी हम जब भी हम पी एड्रेस को कॉल करेंगे ना तो वो इस वैल्यू को इस वैल्यू को फेच करेगा ये समझ लो कि यहाँ सेवन लिखा हुआ है तो ये सेवन यहाँ आउटपुट दे देगा ठीक है दूसरा प्रोग्राम चल रहा है यहां पे भी इस वैल्यू को फेच कर सकते हैं कैसे सिंपल एड्रेस कॉल कर देने का अब एक तीसरा प्रोग्राम है P3। ठीक है P3 में क्या करेंगे ना कि ये एड्रेस पे जो वैल्यू नहीं है उसको मैं चेंज कर दूंगा एड्रेस तो कांस्टेंट है तो एड्रेस मेरा क्या है मैं एड्रेस ये एक पॉइंटर वैल्यूबल जो P है जो इसको पॉइंट कर रहा है तो इसको मैं कमांड दे दूंगा यहाँ पे कि 168F में जो डेटा है उस डेटा को नाइन बना दो ठीक है ये जैसे ही बोलेगा नाइन बना दो ये इस डेटा को डिलीट करके यहाँ पे नाइन बना देगा और ये जो P2 है ना जो इसको यहां से एक्सेस कर रहा था जो पहले इसको सेवन एक्सेस कर रहा था अब ये इसको नाइन एक्सेस करेगा ठीक है यहां पे भी 9 एक्सेस करेगा तो हो क्या रहा है कि एक ही डेटा मल्टीपल जगह पे एक्सेस हो रहा है ठीक है ये यहाँ भी एक्सेस हो रहा है यहाँ भी एक्सेस हो रहा है और यहाँ भी एक्सेस हो रहा है ड्यू टू द फिक्स्ड एड्रेस और दूसरा चीज ये हो गया कि मॉडिफाई इट फ्रॉम एनी मैं यहां पे चेंज करूँगा वैल्यू वो यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया अब बात आता है रिड्यूस स्पेस का जैसा हम लोग देखें कि प्रोग्राम टू मेरा नाइन को यूज़ करना चाह रहा है ये भी नाइन वैल्यू को यूज़ करना चाह रहा है और ये पी थ्री भी समझ लो नाइन वैल्यू को यूज़ करना चाह रहा है तो अगर पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम क्या करते है? हम लोग एक दूसरा वेरिएबल बनाते बी और तीसरा वेरिएबल बनाते सी पी वन समझ लो नाइन यूज़ कर रहा है पी टू के लिए हमको यहाँ बी अलग से बनाना पड़ता और इसके लिए सी अलग से यहाँ बनाना पड़ता ये स्पेस ये स्पेस ये स्पेस तीन जगह पे स्पेस ले लिया है क्योंकि इसका तो एड्रेस वैसा नहीं रहेगा पॉइंटर का अगर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो हम लोग इस वैल्यू को नहीं ले सकते आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बी वैल्यू को यहाँ 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 हर जगह क्यों नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि ये वैल्यू यह, इसके लिए ना इस डब्बे के लिए या इस फिक्स जगह के लिए ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम लोग कभी भी रिस्क नहीं लेंगे ये बी वेरिएबल को अलग अलग प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए रीजन कि समझ लीजिए कंपनी में कोई नया कोडर आया वो बी वेरिएबल को यूज़ कर दिया ये बी वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया जैसे ही वो एक जैसे ही वो एक वेरिएबल बनाएगा इंट बी तो उसके लिए एक नया वैल्यू यहाँ बन जाएगा बी और ये बी डिलीट हो जाएगा ये रीज़न के वजह से एक रिस्की चीज़ हो जाता है जिस वजह से हम लोग बी को मल्टीपल जगह एक्सेस नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एड्रेस का वेट करेंगे जिसको हम लोग मल्टीपल जगह एक्सेस करेंगे ठीक है तो इससे क्या हो गया कि अपन रिड्यूस स्पेस कर लिए क्योंकि अब इसको मल्टीपल जगह एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस का यूज़ करके तो देर इज़ नो नीड टू क्रिएट बी एंड सी जो कि सेम वैल्यू भी स्टोर करके रखा हुआ है चलो अब वाई एज पॉइंटर तो आप समझ गए अब थर्ड चीज़ है वेनज़ पॉइंटर सेम मोर ऑप्टिमाइजेशन लेस स्पेस ठीक है लेस स्पेस तो आप ये देख लिए, कि आप बी नहीं बना हुआ है सी नहीं बना हुआ है ठीक है कोई कोई प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जिसमें इतना ज़्यादा नहीं समझ लो कि ये हार्ड डिस्क ही तुम्हारा वन जी बी का समझ लो मेमोरी कार्ड है या वन जी बी का समझ लो हार्ड डिस्क ही हो गया तो जितना बार ये डेटा बार 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 क्रिएट होगा तो उतना ज़्यादा तो स्पेस लेगा ना फालतू का स्पेस ले रहा है इतना ज़्यादा एक ही चीज़ को स्टोर करने के लिए अलग 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 वेरिएबल बनाना पड़ रहा है तो वेनिस पॉइंटर जब हमारे पास स्पेस ही बहुत कम है तो हम लोग पॉइंटर का यूज़ करेंगे सेम स्पेस को बार बार यूज़ कर सकते हैं लेस स्पेस अब आ जाता है मोर ऑप्टोमाइजेशन तो अपन कहते हैं ना कि हार्ड डिस्क पे जितना कम लोड रहे ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है हार्ड डिस्क में मेमोरी होता है मेमोरी में डेटा को फेच किया जाता है तो फेच करने का जो टाइम होता है ना उसको उसका एक्सेस टाइम डेटा जब फेच होगा तो उसका जब एक्सेस टाइम होगा तो वो सबसे कम होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए तो मिनिमम तो तब होगा ना जब डेटा ही कम हो इसमें अब डेटा जितना ज़्यादा कम हो उतना जल्दी डेटा को एक्सेस कर पाएगा अब उतना जल्दी एक्सेस कर पाएगा तो डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन तो हाई होगा इसलिए अब आता है लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है इसका अलग से मैं आपको बताता हूँ आप पॉज करके आप या बैक करके आप फिर से देख सकते हैं कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहां यहाँ अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ इस तरफ से इतना हटा देता हूँ लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना तो हम लोग ये देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम एंड स्पेस ये दोनों के दोनों कम होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग जो अलग टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि उसको कम करने के लिए क्या क्या करते हैं फिलहाल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको होता है कि आप इंट ए बनाए इंट बी बनाए इंट सी बनाए इतना सारा करा दिया आपको पता ही होगा कि ये जो इंटीजर वैल्यू है ये एक अपना स्पेस लेता है इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इंटीजर का जो इंटीजर स्पेस फोर बाइट्स का लेता है B ये भी फोर बाइट्स का लेता है सॉरी बी भी फोर बाइट्स का लेगा और सी भी फोर बाइट्स का लेगा तो इससे क्या हो रहा है जितने भी आप इनिशलाइज कर रहे हैं ना वेरिएबल उतना ज़्यादा ये बढ़ रहा है क्योंकि आपको बार बार, बार बनाना पड़ेगा ठीक है तो इतना सारा स्पेस कॉम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यही हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस यूज कर रहे हैं आपको कम से कम स्पेस यूज करना है जितना ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा मेमोरी उतना ज़्यादा यूज़ होगा और प्रोग्राम उतना ज़्यादा स्लो होगा ठीक है ये चीज़ समझ लीजिए आपका प्रोग्राम कंपाइल होने में जो वन मिली सेकेंड लगा रहा है वो आपको समझ लो दो मिली सेकेंड लगाएगा और एक एक मिली सेकेंड काउंट होता है इनकोडिंग तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग अगर एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं इंट स्टार पी और पॉइंटर का वैल्यू को चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा हम लोग हमारा ये ये अपना चार बाइट का ले लेगा और पॉइंटर भी इसका अपना चार बाइट का ले लेगा तो आठ बाइट में काम हो जाएगा सारा चीज इतने सारे लेने जरूर, इतने सारे लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहां एक बात जैसे मैंने आपको बताया कि C++ में इंटीजर चार बाइट का होता है ठीक है सिमिलरली डबल वेरिएबल का ये होता है आठ बाइट का होता है कैरेक्टर वेरिएबल वन बाइट का होता है ठीक है इंट तो बता दिया हूँ चार बाइट का होता है आई थिंक डबल एट हाँ ठीक है चलिए वो आप लोग चेक कर सकते हैं लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि फॉर एवरी हमारा ये जो एड्रेस जो यहाँ बनाया हूँ ये हर ब्लॉक का जो एड्रेस है ना उसका सेम साइज़ होता है तो पॉइंटर जो स्टोर करता है तो पॉइंटर का जो भी डेटा टाइप का पॉइंटर हो इन टाइप का पॉइंटर हो कैर टाइप का पॉइंटर हो या किसी भी टाइप का पॉइंटर हो वो सब के सब चार बाइट का ही होता है चार बाइट का ही होता है ठीक है चलिए ये आपको प्रोटोटाइप सेक्शन में थोड़ा और अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे फिलहाल इतना तो समझ गए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में पॉइंटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं शॉर्टकट्स एग्जांपल uh, के तौर पर लीजिए एक फोल्डर है जिसका नाम है फाइल ठीक है यह दस जी का फाइल है यह फाइल हमारा सी ड्राइव में है ठीक है सेम फाइल आपको चाहिए डी ड्राइव में चाहिए और सेम फाइल आपको चाहिए ई e ड्राइव में तो आप क्या करिएगा इसको कॉपी करिएगा यहाँ पेस्ट करिएगा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट जब कॉपी पेस्ट करिएगा तो यहाँ पे भी दस जी लेगा और यहाँ पे भी दस जी लेगा तो आपका अगर आपका हार्ड डिस्क सौ जी का है सौ जी आपका टोटल है तो थर्टी जी बी आप एक ही फाइल के लिए ले रहे हैं तो इसके जगह पे आप क्या करते हैं इसके जगह पे आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं तो राइट क्लिक करके शॉर्टकट क्रिएट करते हैं तो अपना वन के बी का फाइल बन जाता है और ये वन के बी का फाइल आप इसमें डाल सकते हैं, डी ड्राइव में डाल सकते हैं और सेम आप वन के बी का फाइल ई e ड्राइव में भी डाल सकते हैं और जो मेन फाइल है वो यहाँ रहेगा अपना सी ड्राइव में दस जी का तो क्या हो रहा है दस जी बी वन के बी वन के बी मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली आपका दस जी बी ही हो गया तो दस जी बी में भी वही काम हो रहा है जो काम यहाँ हो रहा था बस फर्क ये था कि ये तीस जी बी यूज़ हो रहा है ये दस जी बी यूज़ हो रहा है तो ये कर क्या रहा है कि ये दस जी बी है ना अपना एक एड्रेस क्रिएट करता है ये एक एड्रेस क्रिएट करता है जिसको एक फ़ाइल में सेव करता है जो वन के बी का फाइल होता है अब इस फाइल को आप यहाँ सेव करते हैं अब जब इस फाइल पे क्लिक करोगे ये फ़ाइल पे जब क्लिक करोगे तो ये फ़ाइल आपको उठा के ऑटोमेटिकली यहाँ घुमा देगा और इस फाइल को ओपन कर देगा ये जो भी फाइल है फ़ाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी जो भी आप ओपन करोगे डायरेक्टली जो ई e ड्राइव में रहेगा वो डायरेक्टली आपको सी ड्राइव से उठा के वो फाइल को ओपन कर देगा तो ये आपका एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हो गया जो एप्लीकेशन में मैंने बता दिया जैसे शॉर्टकट का की काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटोटाइप में पॉइंटर एड्रेस को स्टोर कैसे करते हैं इसके बारे में टू फाइव ठीक है ये एक ए हो गया पांच हो गया और यहाँ पे ई वन जीरो वन ये समझ लो कोई एड्रेस हो गया इस वैल्यू को स्टोर करना है एक पॉइंटर वेरिएबल में पी में ठीक है तो इसका डिक्लेरेशन ऐसा होगा int *p is equal to *p एक पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में यही अंतर है नॉर्मल वेरिएबल के पहले स्टार नहीं वेरिएबल से पहले स्टार लगता है इंट *p इज इक्वल टू अब भाई पॉइंटर वेरिएबल में ए नहीं आ सकता है क्योंकि ए भेजना मतलब क्या हो गया पॉइंटर वेरिएबल में तुम फाइव भेज रहे हो बट फाइव नहीं भेजना है फाइव का एड्रेस भेजना है तो फाइव का एड्रेस क्या है फाइव तो अपन ए में स्टोर किया हुआ है तो ए का एड्रेस क्या है तो एम्पल सेंट ऑफ ए बस बस इतना ही करना है इसमें क्या हो गया अब अपन देखेंगे ना यहाँ एक नया वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम रहेगा पी और इसमें एक स्टोर रहेगा e101 अब आप सोच रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है ये एक अपना डब्बा बना दिया है तो इस डब्बे का भी अपना एक एड्रेस होगा बिल्कुल सही समझे इसका समझ लो कुछ एड्रेस होगा k201 समझ लीजिए ठीक है अब हम करते हैं इंट अब इसको स्टोर करना है कहीं पर ठीक है अभी तो मैंने इसको स्टोर किया पी के अंदर जो आप देख सकते हैं अब इसको कहीं स्टोर करना है तो कैसे करेंगे इंट स्टार जैसे p एक नाम रखे एक समझ लीजिए q एक पॉइंटर वेरिएबल दूसरा बना देते अब इसमें क्या करेंगे जो p है p का एड्रेस को उसमें डाल के रखेंगे तो एम्पल सेंट ऑफ पी तो हुआ क्या कि अब एक नया वेरिएबल बन गया अब एक नया वेरिएबल बन गया जो q है और इसमें स्टोर होगा के टू जीरो वन ठीक है अब आपके पास इंफॉर्मेशन में समझ लीजिए आपके पास सिर्फ Q है और आपसे पूछा जाएगा कि फाइव को प्रिंट करो कैसे प्रिंट करेंगे अच्छा इससे इजी सब देख लेते हैं समझ लीजिए आपके पास सिर्फ P है और आपसे पूछा जाएगा आपको पता है कि E वन है आपसे पूछा गया कि वन जीरो ई वन जीरो वन एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है उस डेटा को प्रिंट करना है उस डेटा क्या है वो आपको बताना है तो आप यहां पे सिर्फ ये करते हैं सी आउट या फिर इससे भी इजी बताता हूँ आप समझ लीजिए एक नया वेरिएबल बना दिए बी ठीक है अब बी में आपके पास सिर्फ ये पता है आपको सिर्फ ये पता है और आपको ए प्रिंट करना है तो आप ये पी है अब क्या करना है ना पी को आपको डी रेफरेंस करना है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो इसको रेफरेंस कर रहा है इसको डी रेफरेंस करने के लिए आपको स्टार यहाँ लगाना है जब ये करेंगे तो यहाँ एक वेरिएबल अलग से क्रिएट होगा जो अलग डब्बा है इसका नाम बी होगा और यहाँ पे फाइव एंटर हो जाएगा जैसे ही ये होगा ना वैसे ही ये फाइव एंटर हो जाएगा अब जैसे ही आप ना बी को प्रिंट करोगे तो फाइव प्रिंट हो जाएगा सेम यही चीज़ है अब बात समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ क्यू है तो इस केस में क्या करिएगा आप का क्यू वेरिएबल है इसको आप एक बार नहीं आपको दो बार डी रेफरेंस करना होगा एक बार डी रेफरेंस करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे क्यू का एड्रेस का पेरेंट कौन है ई वन ज़ीरो वन ये फर्स्ट डी रेफरेंस में आप ई वन ज़ीरो वन में जाएंगे सेकेंड टाइम फिर से डी रेफरेंस करेंगे तो ई वन जीरो वन का पेरेंट कौन है फाइव तब आप फाइव पे पहुंचोगे तो दो बार डे रेफरेंस किए तो फाइव नंबर आया अब फाइव क्या है आपका वो एक इंटीजर है तो आपको इंटीजर में स्टोर करना है इंटीजर जेड अब एक बार डे रेफरेंस करेंगे तो क्या होगा स्टार क्यू इज इक्वल टू समझ लीजिए आप एक बार डे रेफरेंस किए क्यू को तो के टू जीरो वन एक बार करने पे आप कहाँ गए इसके पेरेंट पे ई वन ज़ीरो वन एक बार डे रेफरेंस करने पे ई वन जीरो वन आया ई वन जीरो वन क्या है ये तो एक हेक्सा डेसिमल है तो ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है ये पॉइंटर वेरिएबल में ही सिर्फ स्टोर होगा तो इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल आपको बनाना होगा इंट स्टार एस इज इक्वल टू क्यू तो एक अलग से एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पे एस और जिसका एड्रेस में क्या रहेगा क्यू को डी रेफरेंस जो किया गया है ना जो वैल्यू है क्यू को डी रेफरेंस किया गया है तो क्या आया था उसका वैल्यू ई वन जीरो वन तो यहाँ E101 वैल्यू आएगा यहाँ पे S में बस अब कभी भी लाइफ में आपको मन किया समझ लीजिए ये A के साथ बहुत चीज हुआ आज के डेट पे A का वैल्यू 10 है अब 10 दिन बाद आप देखें S को डी रेफरेंस करके कि भाई चलो पढ़ते हैं कि E101 में क्या डेटा है तो जैसे ही आप S को डी रेफरेंस करेंगे समझ लीजिए डायरेक्ट आउटपुट लेते हैं ठीक है थीके? बात बराबर ही है जैसे ही डी रेफरेंस करके हम लोग हम लोग इसका आउटपुट लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा टेन डायरेक्टली तो ये कभी भी चेंज होगा ये हमेशा जो कांस्टेंट रहता है इस वजह से हम लोग सेम वैल्यू को कभी भी और एनी से एक्सेस हो सकता है मल्टी एक्सेस हो सकता है कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं यही बेसिकली इसका प्रोटोटाइपिंग जो है मैं आपको समझा दिया चलिए पहला वीडियो था थोड़ा सा लंबा गया है बेसिक आई होप नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और चीज़ें कॉन्साइज करूँगा इम्प्रोवाइज भी करूँगा एंड uh, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे टिल देन बाय